अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में। अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो या ऑलरेडी जा चुके हो जॉब पर्पज़ के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, तो आपका जो इंडियन सिम कार्ड है उसका आपको वहाँ पर यूज़ करना जो है ज़रूरी है, क्योंकि आपको OTP पर्पज़ के लिए जो भी आपका अकाउंट जो भी अकाउंट आपको लॉगिन करना होगा, तो मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स हमारे मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाते हैं OTP के थ्रू, ठीक है। या फिर अगर आपको अपना बैंकिंग वहाँ पे इस्तेमाल करना है, गूगल पे, फ़ोन पे, आपकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, आप जो भी इस्तेमाल करते हो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होता है, आपको OTPs आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए आपको अपना इंडियन नंबर साथ में लेके जाना ज़रूरी है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स का डिफरेंट पॉलिसीज है इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में। जियो की अपनी पॉलिसी है, एयरटेल की खुद की पॉलिसी है, वोडाफोन आइडिया की खुद की पॉलिसी है, और BSNL की खुद की अलग एक पॉलिसी है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है, अगर आप ऑलरेडी जा चुके हैं बाहर, इंडिया के बाहर, और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको ठीक करके दे दूंगा, पर उसके लिए कुछ चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पता चल जाएगा चार्जेस कितने हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इंडिया में हैं, ठीक है, आप फिर भी मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ रिचार्ज करके जाते हैं जो कि मतलब उस कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होता है, या कोई इंटरनेशनल सर्विसेज को एक्टिवेट करके नहीं जाता है, उसको वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी को वहाँ पे नेटवर्क आता जाता है, एक मिनट में आता है, दूसरी मिनट में जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपको वहाँ पर आएगी। फ़ोन पे, गूगल पे आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ेगी इंटरनेशनल रोमिंग में, ठीक है। आप जिस भी कंट्री में जाओगे, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, इनका मैं आपको ठीक करके दूंगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर मेरा दिया होगा। फ़िलहाल मैं आपको कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ जियो इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में, कुछ एयरटेल के बारे में, और कुछ वी और BSNL के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए। पहले मैं बताऊंगा जियो के बारे में। जियो में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा आउट ऑफ इंडिया में, अगर आपकी इंटरनेशनल सर्विसेज एक्टिवेट नहीं है। एयरटेल का नेटवर्क आपको मिल जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब आप, अगर आपका एक बार लॉग आउट हो गया एब्रॉड में, आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, तो उस चीज़ के लिए भी उसको एक्टिवेट करना पड़ता है एयरटेल में। और वी में आपका चल जाएगा, लेकिन किसी किसी कस्टमर को वहाँ पे नेटवर्क वी में नहीं आएगा, या SMS का इशू आएगा, तो डिफरेंट इशूज आ जाते हैं। और रहा BSNL का सवाल, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि BSNL आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि BSNL आप जो यहाँ पे इस्तेमाल सिम कार्ड करते हो ना इंडिया में, वो वाला सिम कार्ड आपको बाहर नहीं चलेगा। उसमें आपको BSNL के स्टोर पे जाके आपको एक इंटरनेशनल सिम कार्ड लेना पड़ता है, वहाँ पे कुछ पैसे आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं एब्रॉड में। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास BSNL है, एब्रॉड जा रहे हो, तो आप उसको पोर्ट कर लो किसी भी ऑपरेटर में। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो मैं आपको बताता हूँ कि जियो में पोर्ट कर लो, जियो सस्ता रहेगा और बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, इस चैनल पे प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जहाँ पे मैंने जियो इंटरनेशनल के बारे में बात की है, एयरटेल के बारे में बात की है, BSNL दी, ठीक है, सब के बारे में मैंने बात की, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।